पिथौरागढ़ घंटाघर तिराहे में बीपीएड कर्मचारियों ने प्रदेश के सीएम हरीश रावत का पुतला दहन करते हुए जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें बीजेपी ने भी इनका समर्थन दिया। बीपीएड प्रशिक्षितों का आरोप है कि नियुक्ति की मांग कर रहे बीपीएड कर्मियों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें 30-40 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें सीएम ने भी चुप्पी साधी है। बीपीएड बेरोजगारों का कहना है कि उनकी नियुक्ति जल्द ही नहीं की गई तो आए दिन प्रदेश में यूं ही धरना जारी रहेगा। आज मुख्यमंत्री हरीश रावत का हमने यहाँ पर बीपीएड प्रशिक्षितों पे 14 तारीख को देहरादून में जो लाठीचार्ज हुआ, हमारे साथियों के जो हाथ पैर तोड़े गए, उसके विरोध में हमने यहाँ पर आज उनका पुतला दहन किया है। और साथ ही उनसे मांग की है कि बीपीएड प्रशिक्षित जो लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं कि व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, उस संदर्भ में हमने पुतला दहन किया है। और ये सरकार ऐसी निकम्मी हो चुकी है, एक घोड़े का पैर टूटता है तो लाखों की राजनीति करती है। और यहाँ पे हमारे साथियों का कम से कम 50-60 युवा हमारे साथी उसने हाथ पैर तोड़वा बैठे हैं, उस पर वो दो शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। इस सरकार, इस निकम्मी सरकार का हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में हर जिले में आज से लगातार ये पुतला दहन कार्यक्रम जारी रहेगा। देवभूमि न्यूज़, पिथौरागढ़।